नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पिछले दिनों कुछ गौ तस्करों ने उसवीर यादव नाम के एक स्थानीय युवक की हत्या कर दी। युवक की गलती बस इतनी थी कि उसने तस्करों को चोरी करने से रोका था, मगर तस्करों ने बदले में उसकी जान ही ले ली। अब तस्कर पुलिस की गिरफ्त में है। उनकी पहचान सद्दाम और जुम्मन के तौर पर हुई है। उसवीर के चचेरे भाई गोविंद ने 16-17 नवंबर की रात घटित इस घटना के बारे में बताया। वो बोले, मैं चारपाई पर उसवीर के पास सो रहा था। करीब 12 बजे हमें हमारे पड़ोसी जगदीश की आवाज़ आई। वो चिल्ला रहा था कि चोर हमारी भैंस ले जा रहा है। इस आवाज़ को सुनने के बाद जब उसवीर और बाकी लोग चोर को पकड़ने गए तो चोर ने उसवीर के सिर में गोली मार दी। साथ वालों ने जल्दी से जल्दी उसवीर को अस्पताल में ले जाने का इंतजाम किया, मगर वो बीच रास्ते में दम तोड़ चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक उसवीर 6 भाई बहन में सबसे बड़ा लड़का था। उससे बड़ी एक बहन थी जिसकी शादी हो गई थी। वहीं 2 भाई और बहन स्कूल में पढ़ रहे थे और घर पर काम करते थे। गोविंद बताते हैं कि उसवीर 1 साल से ज्यादा वक्त से दिल्ली में किराए पर रह रहा था और वहीं काम करता था। वो घर पर लगातार रुपए भेजता था। गोविंद के मुताबिक उसवीर अपने घर में आय का मुख्य स्रोत था, क्योंकि उसके पिता अब बुजुर्ग हो रहे हैं। उसकी हत्या से जुड़े मामले को कासगंज सिकंदरपुर वैश्य पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। 17 नवंबर को इस संबंध में पुलिस ने अपने ट्विटर पर भी बताया था। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।